अब हम लोग समीकरण दो को सिद्ध करेंगे। समीकरण जो दूसरा हमारा समीकरण है वह है s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। इसमें जितने भी अक्षर हैं इनका मान बिल्कुल क्लियर है कि s माने क्या होता है विस्थापन, u माने प्रारंभिक वेग, t माने समय और a माने त्वरण। हम लोग जो गति जब पढ़ रहे थे तो उसमें पढ़े हैं औसत वेग बराबर, ठीक है ना। तो उस सूत्र का औसत वेग वाले सूत्र का इसमें प्रयोग है, तो हम पहले औसत वेग को एक बार लिखते हैं। औसत वेग, तो औसत वेग बराबर क्या होता है, तो उसमें हम क्या करते थे कि जो अंतिम वेग प्रारंभिक वेग जो दोनों होता था यानी वी प्लस यू और बाई टू कर देते थे, जो ज्ञात होता था वो क्या होता था औसत वेग होता था। और साथ में एक और सूत्र था कुल विस्थापन, ठीक है ना। तो कुल विस्थापन बराबर हम लोगों ने पढ़ा है कि औसत वेग गुणे समय, है ना। तो इसी में हम मान रखेंगे, चूंकि हमको कुल विस्थापन यानी s ही रखना है, ज्ञात करना है, तो हम जानते हैं कि s बराबर यहां पर हो गया औसत वेग। तो अभी हम औसत वेग बराबर क्या लिखे हैं, v प्लस u बाई टू इंटू टी, ठीक है ना। यानी हम औसत वेग में समय से गुणा कर देंगे तो हमें कुल विस्थापन प्राप्त होगा। जैसे हमने पढ़ा है कि दूरी बराबर चाल गुणे समय, बस वही है। यह जो विस्थापन होता है इसमें दिशा होता है और जो दूरी होता है उसमें सिर्फ परिमाण होता है, इसलिए हम इसको देख रहे हैं। फिर देखो s बराबर v प्लस u बाई टू इंटू टी, समझ रहा ना। आगे हम फिर लिख सकते हैं या s बराबर देख रहे हो कि यहां जो v प्लस u बाई टू है, तो v का मान हम लोग पहले ही जो पहला सूत्र हमारा था v बराबर u प्लस ए टी, हमने इसका निगमन कर लिया है। और इसमें से v बराबर u प्लस ए टी, v के स्थान पर हम u प्लस ए टी को रख देंगे, क्या ऑलरेडी हमारे पास u है, तो हम यहां इसका मान जब रखेंगे तो यह होगा u प्लस ए टी और प्लस u, v का मान है u प्लस ए टी, ठीक है ना, और प्लस u, और ऑलरेडी हमारे पास यहां पर बाई टू है, ये है इन टू टी। या हम इसे हल कर रहे हैं, u और u को जोड़ देंगे क्या होगा 2u और प्लस 80 by क्या हो गया 2 और इंटू टी है। अब हम एक बार गुणा कर देते हैं, या s बराबर जब हम गुणा करेंगे ना t से 2u में तो क्या होगा 2u t होगा ना, टी से गुणा कर देंगे 2ut प्लस प्लस है और 80 है, 80 में टी से गुणा करेंगे तो 80 स्क्वायर, समझ में आ रहा है, और बाई टू है, ठीक है जी। अब हम इसे फिर आगे लिख रहे हैं, उतार दीजिए थोड़ा सा इसको जल्दी, ध्यान दीजिएगा यहाँ जो s बराबर ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर है हमने इतना तक हल कर लिया है, जैसे औसत वेग यानी वी प्लस यू बाई टू, कुल विस्थापन है औसत वेग गुणे समय, जहां कुल विस्थापन यानी s, s बराबर औसत वेग यानी वी प्लस यू बाई टू इंटू टी। यहां पर s बराबर आप देख रहे हैं कि u प्लस ए टी, या जो u प्लस ए टी है, यह हम जो पहला सूत्र सिद्ध किए थे वी का मान कि वी बराबर u प्लस ए टी, हमने यहां पर वी का मान रखा है, वी के जगह पर जी बराबर यू प्लस एटी हम पढ़े ना पहले, तो उसी मान को हमने रख दिया है कि भी के जगह पर यू प्लस एटी, ठीक है, और प्लस यू और यहाँ इंटू में क्या है टी है, यहाँ होल बाई टू है, ठीक है। हमने यहाँ पर यू और यू दिखाई दे रहा है ना, तो यू प्लस यू यानी टू यू और प्लस एटी का होल बाई टू इंटू टी, समझ में आ रहा इतना। जैसे यहाँ पर हमने टी जो ये लिखे हैं इससे हम इसमें गुणा करेंगे, तो 2u में हम t से इंटू करेंगे तो क्या होगा 2ut होगा ना, क्या है जो रहता है ऊपर गुणा करते हैं प्लस, तो प्लस फिर at में गुणा करेंगे t से तो होगा at स्क्वायर, समझ में आ गया। और फिर इन पूरा का बट्टा दो है। अब हम इसे आगे देखते हैं, आगे हम यहां लिख दे रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा,
यहाँ आप ध्यान देंगे, यहाँ एस बराबर टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर है ना का होल बाई टू, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एस बराबर टू यू टी बाई टू प्लस फिर ए टी स्क्वायर बाई टू होगा ना। फिर अगर हम इसका एलसीएम ले लें और इसे ऐड करें तो इस रूप में आ जाएगा, और ऐसे करने से यह होगा कि यह जो दो है इस दो से क्या करेगा, इस यह जो दो है इस दो से कटेगा ना, और यहां पर तो कुछ कटने वाला नहीं है, यानी एस बराबर अब हमें प्राप्त होगा यू टी प्लस यहां देख रहा हो कि बाई टू, यानी इसको हम वन बाई टू लिख सकते हैं ए टी स्क्वायर। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि हमें जो विस्थापन का सूत्र है ही विस्थापन बराबर यानी एस बराबर यू टी प्लस हाँ यानी वन बाई टू ए टी स्क्वायर सूत्र प्राप्त हो गया ना। और इस प्रकार हम क्या कर लिए, एस के मान का निगमन कर लिए, यानी दूसरा सूत्र भी हमारा सिद्ध हो गया। तो समझ में आ रहा है, एक बार फिर हम चाहे तो इसे समझ सकते हैं, अगर आपको गुणा करने में अगर कहीं नहीं समझ में आए तो पूछ भी सकते हो। समझ में आ रहा ना, जैसे हम क्या किए हैं यहाँ औसत वेग v प्लस u बाई टू, फिर लिखा है कुल विस्थापन, औसत वेग में समय से गुणा कर दिए हैं, विस्थापन का s होता है, और यहाँ पर आप औसत वेग का देख लिए यहाँ v प्लस u बाई टू इंटू t, या s बराबर हमने क्या किया है कि v के जगह पर u के पद में v का मान रखा है, जैसे हम पहले सिद्ध कर चुके हैं कि v बराबर u प्लस at है, यानी v के जगह पर u प्लस at और प्लस u का होल बाई टू है, और इसमें फिर देख ही रहे हो इंटू टी है, या s बराबर u और u को ऐड कर दिए तो टी u होगा ना, टू u प्लस at बाई टू और यहां पर इंटू टी है, यही ना है s बराबर टू यू प्लस at बाई टू, और इसमें हम t से, या इसको हम इंटू कर देंगे तो 2u में t से गुणा करेंगे ना, ये खाली ऊपर ही गुणा होता है नीचे गुणा नहीं होता है, तो t से इंटू करेंगे 2u में तो होगा 2ut प्लस है तो प्लस, और फिर 80 में t से इंटू करेंगे तो 80 स्क्वायर का होल बाई 2 हो गया है जी। हम यहाँ s बराबर फिर लिखती है इसको ऐसे अलग अलग, तो हम लिख सकते हैं 2ut बाई 2 प्लस 80 स्क्वायर बाई 2 जी। तो यहाँ पर देख रहे हो 2 से 2 का क्या होगा कट जाएगा ना, तो आएगा ut और प्लस 80 का स्क्वायर बाई 2, यानी हम इसको लिख सकते हैं 1 बाई 2 इंटू 80 स्क्वायर, फिर 1 से इंटू करेंगे इसमें तो ही ना होगा 80 स्क्वायर बाई 2। अब इसलिए हम लिख सकते हैं इसलिए s बराबर ut प्लस 1 बाई 2 80 स्क्वायर क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो समझ में आ रहा है, चलिए अब इसका जो अगला सूत्र है 3 नंबर v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2 as, इसे हम लोग कंसीडर करेंगे।